पीरियड्स डिले तो हम बर्थ कंट्रोल पिल और मार्केट में मिलती है पीरियड्स डिले करने का पिल, उससे कर ही सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनमें से नहीं है जो ये सोच रखते हैं। वो लोग सोचते हैं कि नेचुरली हम करेंगे, नेचुरली पीरियड्स को डिले करेंगे। तो मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल आती है कि दी पीरियड्स डिले कैसे करें, पीरियड्स डिले कैसे करें। उसके ऊपर मेरे चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो है, मैं लिंक दे दूँगी, उसे भी प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। और पीरियड कैसे लेमन के साथ डिले करें, ये कुछ दिनों में एक रिक्वेस्ट आई थी उसे बताने के लिए, कैसे लेमन से डिले होती है या नहीं होती है, कब से इसे यूज़ करने से परफेक्टली आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल सकती है। तो वो मैं सब कुछ आपके साथ बताऊंगी। हर किसी ने इसके ऊपर वीडियो बना के रखी है लेमन से डिले करें, लेकिन लेमन से कैसे डिले होती है और कब से लेमन आप इस्तेमाल करोगे तो डिले हो जाएगी। लेमन तो हम हर कोई इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर किसी को कि पीरियड्स डिले होती है नहीं होती है, आपके मन में भी ये सवाल आ सकती है। लेमन तो हम हमारे वेट वजन कम करने के लिए भी इस्तेमाल करते, तो उससे पीरियड्स डिले तो नहीं होती है। हाँ, नहीं होती है, उसके लिए एक रीज़न रहती है, वो भी एक प्रॉपरली यूज़ करना पड़ती है, आपको सही नियम जानना होती है कब इस्तेमाल करने से आपके पीरियड्स डिले हो सकती है। तो सब कुछ मेरे वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ अनन्या, आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आशा करूँगी आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज का टॉपिक ही है लेमन के साथ पीरियड्स को नेचुरली कैसे डिले करेंगे, लेमन कैसे इस्तेमाल करने से पीरियड डिले होगी और कैसे आपके बॉडी के साथ काम करती है, कब से कब तक लेने से आपके पीरियड्स डिले होगी, सब कुछ मैं बताऊंगी। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये रेमेडी इस्तेमाल करके भी आप देख सकते हो, लेकिन इसका भी भरोसा इतना ज़्यादा नहीं होती है कि नेचुरली है, नेचुरली कभी कभी काम नहीं करती किसी किसी को, लेकिन मैं बताऊँगी। आपको थोड़ा समझ में आए तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकती है। मैं कभी भी लेमन इस्तेमाल नहीं की हूँ पीरियड्स को डिले करने के लिए, लेकिन मैं सुनी हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट किसी किसी को देती है। तो वो मैं बताऊँगी कब, कैसे और किस वजह से लेमन पीरियड्स को डिले करती है। वुमेन के शरीर में जो पीरियड्स आती है वो दो हार्मोन के वजह से, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टोजन, आप सभी को पता है। ये दो हार्मोन्स के अंदर एक हार्मोन जब हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो हम जानते हैं पीरियड्स किसी किसी को बहुत लेट आती है। नेचुरली किसी किसी के शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर होती है, तो किसी किसी को पीरियड्स बहुत लेट आती है, जिसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे शरीर में होती है। तो वही काम करना पड़ेगा आपको पीरियड्स को डिले करने के लिए, प्रोजेस्टेरोन को लेवल आपके शरीर में बढ़ाना होगा, तब झिल्ली नहीं टूटेगी और पीरियड्स जल्दी नहीं आएगी। तो ये काम आपको कब से करना होगा वो जानने के लिए आपको जानना होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेस होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का 3 फेस होती है, फोलिकुलर फेस, ओवुलेशन फेस, थर्ड नंबर पे होती है लूटियल फेस। ये लूटियल फेस में आपके पीरियड्स आ जाती है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन आती है। तो ये 3 फेस होती है, ये 3 स्टेप होती है, तब जाके आपके मेंस्ट्रुएशन आती है। तो मैं बता देती हूँ कब से आपको इस्तेमाल करना होगा, यानी आपके ओवुलेशन जो फेस है उसके पहले से आपको इस्तेमाल करना होगा। ओवुलेशन को आपको डिले कर देना है तब आपके पीरियड्स डिले हो जाएगी। प्रोजेस्टेरोन लेवल को बढ़ानी होगी आपके शरीर में, तो लेमन जूस को आपको 2 टेबलस्पून लेना है 1 ग्लास ल्यूकॉम वाटर के साथ दिन में 2 बार। फॉलिकुलर फेस चलने से ही, ओवुलेशन फेस आने के पहले से ही आपको स्टार्ट करना होगा, तब जाके ओवुलेशन लेट होगी और आपके पीरियड साइकिल भी लेट होगी। ओवुलेशन जल्दी होगी तो पीरियड्स भी आपके आ जाएगी। 17 डेज तक आप पीरियड्स को डिले कर सकते हो अगर आप ये फेस से लेते हो। तो अभी आपको जानने के बारी है कि आपके फोलिकुलर फेस का डेट कब से रहती है। ये पीरियड्स इरेगुलर है उनके लिए ये दवाई नहीं है, उनके लिए ये रेमेडीज नहीं है, क्योंकि हम ट्रिगर ही नहीं कर पाएंगे, हम इसे सूचना ही नहीं कर पाएंगे कब से लेना है, कब से स्टार्ट करना है। तो जिनके पीरियड्स रेगुलर है उनके लिए है ये रेमेडी। 1 से 5 दिन जिनका पीरियड्स का डेट रहती है उनके फोलिकुलर फेस रहती है 1 से 13 दिन, 1 से 13 डेज तक। ये 13 के अंदर ही आपके स्टार्ट करना होगा रेमेडीज को। फोलिकुलर फेस के 10वें दिन से यानी 10 डेज से ही आप लेना स्टार्ट करते हो तो आपके पीरियड 17 दिन तक लेट होती है। तो
किसी किसी को ओवुलेशन डे 14 दिनों में भी होती है, 15 दिनों में भी होती है, 16 दिनों पर भी होती है। तो ये हिसाब में हम रखेंगे 14 दिन ही हम ओवुलेशन डे को रखते हैं। 14 डेज में आपका ओवुलेशन फेस होती है, उसके बाद से ही 15 दिन से ही आपकी लुटियल फेस स्टार्ट हो जाती है। तो आप क्या करो, 10वें दिन से पीरियड्स के नेक्स्ट 10वें दिन से पीरियड जब आपके ख़त्म हो रही है, आप हिसाब करके रखो, काउंटिंग करके रखो, पीरियड स्टार्ट हो रही है उसके 10 डेज से 10वें दिन से आप ये लेना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट लुटियल फेस ख़त्म होने के 2-3 दिन पहले आप इसे छोड़ दो। एक चीज़ ध्यान में रखना, इसके अंदर कभी भी आप इसे स्किप मत करो। स्किप करोगे तो पीरियड्स डिले नहीं होगी, क्योंकि ये नेचुरल एक रेमेडी है। इसे आपको ध्यान में ही रखना होगा, ध्यान से इस्तेमाल करना होगा, तो जाके आपको काम में आ सकती है। हाँ, किसी किसी के बॉडी के साथ ये काम नहीं करती, तब आके आप बता सकते हो कि दी ये मुझे काम नहीं किया, लेकिन ट्राई करके आप देख सकते हो। ये बहुत सारे लेडीज़ को अच्छा रिजल्ट देती है और ये बहुत ही पुरानी एक रेमेडीज़ है। हमारे दादी नानी भी इसे इस्तेमाल करते थे, बहुत सालों से ही ये चलते आ रही है। तब तो मेडिसिन इतना ज़्यादा नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे पीरियड्स को डिले करने के लिए। जिन जिनको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा गैस फॉर्म करती है लेमन लेने से, वो आपको पहले से ही पता होगा, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हर किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है लेमन जूस से, और लेमन जूस लेने से आपके इंटरनली भी बहुत ज़्यादा फंक्शन अच्छा होती है, और एक्सटर्नली भी आपके ग्लो आएगी स्किन में, आपके हेयर में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आती है। तो आप ले ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी, और ये पील के तरह भी नहीं है, जस्ट ये नेचुरली काम करेगी। तो सारे कुछ मैं आपको बताई हूँ, फिर भी आपके मन में सवाल है तो कमेंट सेक्शन है आप लोगों के लिए, आप आके मुझे बता सकते हो मन में कोई भी सवाल है तो। और अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, अच्छा है रेमेडी, नेचुरली बहुत ही अच्छा काम करती है बहुत सारे लेडीज़ को। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कोई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, थैंक यू।